जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, वेलकम है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एचपी टैट, सी टैट और ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री की अनदर क्लासेस भी आपको अभी तक देखने को मिल चुकी हैं। आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है एसिड बेस सॉल्ट। जो भी एसिड बेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें पूछी जाती हैं, इसके मेनली हमारे पांच चैप्टर जो है वो रहने वाले हैं। पहला हमारा एसिड का रहेगा, दूसरा बेस का, फिर सॉल्ट, फिर पीएच वैल्यू, फिर इंडिकेटर। तो पांच अलग अलग चैप्टर्स में आपको ये क्लासेस देखने को मिलेंगी। आज जो हम पहली क्लास में कवर करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में, उसमें हम एसिड को कवर करने वाले हैं। तो हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी एसिड बेस एंड सॉल्ट के लिए। तो इस क्लास में हम जो है वो एमसीक्यू वाइज जो है वो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे। और आई होप आप क्लास को पूरा का पूरा देखें, अपने नोट्स बनाएं। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो इसकी पीडीएफ जो है वो आपको ऐप में ही, जहां पे आपको वीडियो शो होगी वहीं पे आपको ये देखने को मिलेगी। ये आज की जो हमारी क्लास है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ये हमारी ऐप और यूट्यूब दोनों के ऊपर हमारी लाइव जो है वो चली है। और लेकिन आने वाली जो हमारी क्लासेज रहेंगी रेगुलरिटी में, जो भी हमारी दो तीन क्लासेज रहेंगी वो फ्री कंटेंट रहेगा, आपके लिए डेमो रहेगा। उसके बाद जो हमारी क्लासेज रहने वाली हैं वो हमारी सारी की सारी पेड कोर्सेज में काउंट की जाएंगी। तो आप विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर www.vijaypatheducation.com के ऊपर ऊपर जाके भी आप जो है वो अपना बैच जो है वो ले सकते हैं। केमिस्ट्री का सेक्शन जो है वो हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए पहले क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, द कॉमन एलिमेंट फॉर ऑल एसिड इज। देखिए क्वेश्चन को हम बिल्कुल आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, और क्वेश्चन के अनदर ऑप्शन जो आपके पास दिए गए हैं उनसे भी हम डाटा जो है वो आज निकालेंगे। तो काफी बेहतरीन क्लास जो है वो हमारे पास आज रहेगी, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल निचोड़ यहाँ पे आज हम केमिस्ट्री का निकालेंगे। बिल्कुल हाई लेवल की केमिस्ट्री जो है वो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। एसिड से जितने भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो बिल्कुल कवर होने वाले हैं। और हमारी जो क्लास रहेगी उसमें लगभग हमारे पांच छह क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड रहते हैं। वो सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन रिपीट होगा लेकिन घुमा फिरा के रिपीट करेंगे। तो ज्यादा टाइम हम इधर उधर की बातों में नहीं लगाएंगे, स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, कॉमन एलिमेंट फॉर ऑल एसिड इज। आपके क्वेश्चन में बोला गया कि जो हमारे एसिड होते हैं, पीएच वैल्यू आप सभी को पता है, पीएच स्केल आपको पता है, आप जानते हैं 0 से लेके 14 तक हमारी पीएच स्केल रहती है। ये मिड में हमारे पास 7 वैल्यू है, 7 से पीछे जो भी चीजें आएंगी उसको हम कहते हैं एसिड, 7 के आगे जिसका पीएच मान आएगा उसको हम कहते हैं बेस, यानी कि अम्ल और क्षार। जिसकी वैल्यू 7 है उसको न्यूट्रल या फिर उदासीन से हम जानते हैं। तो देखिए जो भी हमारे पास एसिड होते हैं जिनकी वैल्यू 7 से कम होती है, उसमें एच पॉजिटिव की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। आज की क्लास में सिर्फ एसिड को ही कवर करेंगे, आने वाला जो सेशन हमारा रहेगा उसमें अनदर चैप्टर को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एसिड के ऊपर ही बेस्ड है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया कि सबसे ज्यादा एसिड में कौन सा एलिमेंट होता है। तो देखिए एच पॉजिटिव आयन जिसमें सबसे ज्यादा होंगे वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिसमें H पॉजिटिव आयन की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी वो हमारा वीक एसिड होगा। तो हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है। तो देखिए कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। HCl मेरे पास क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम है। इसको मैंने क्या किया, वाटर के साथ मिक्स किया, ठीक है जी। HCl को, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो एच पॉजिटिव आयन जो है वो बाहर निकलेंगे, साथ में Cl नेगेटिव जो है ये भी आयन हमारे बाहर निकलेंगे। एच पॉजिटिव आइन जब भी बाहर निकले इसका मतलब है जो चीज़ हमने कंसीडर की है वो क्या है, वो है एसिड। एसिड की दो मेन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, पहली प्रॉपर्टी है कि ये स्वाद में कैसा है, खट्टा है, सोर है, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देता है, रेड लिटमस में चेंज कर देता है। ये तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, आई थिंक आपको ये क्लियर है। HCl है, उसके नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO3। बिल्कुल अच्छे से अप लेवल की क्लास आपको मिलने वाली है। HNO3 जो है वो हमारे पास नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, ये भी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन कंटेन। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड हम बोलेंगे किसको, पीएच स्केल में जिसकी वैल्यू 0 और 7 के बीच है उसको हम कहते हैं एसिड। यानी कि स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या फर्क है, स्ट्रॉन्ग वो एसिड हैं जो एच पॉजिटिव की वैल्यू, हाइड्रोजन आइंस की वैल्यू सबसे ज्यादा निकालते हैं, वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक कौन से हैं जो एच पॉजिटिव की वैल्यू बिल्कुल थोड़ी सी प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं वीक एसिड। अब हाइड्रोजन की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा निकलनी चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या चीज होनी चाहिए, ये हमें पता है, आयंस होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या, आयंस होने चाहिए, और आयंस जो है वो ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन आयन की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। ऑल टीचिंग एग्जाम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एचपी टैट है, सी टैट है, नवोदय का एग्जाम है, या फिर आपका सैनिक का एग्जाम है, जिसमें आपके टीचिंग के लिए आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम को जो है ये कवर करेगा। स्टेटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहां पे जो है वो मैंने आज डाले हैं। तो देखिए पहली स्टेटमेंट आपको क्या बोलती है,
H2SO4 is used to remove sulfur and other compound in petroleum refining. ये H2SO4 करता है या नहीं करता ये आपको पता होना चाहिए. दूसरा क्या बोला गया, the basic nature of sodium hydroxide is due to presence of hydrogen ion. देखिए यहाँ पे बोला गया कि ये जो base है sodium hydroxide क्या है हमारे पास base है, NaOH क्या है base है. अब ये base क्यों है, बोला गया कि इसमें hydrogen ion present होते हैं. नहीं, NaOH जो है वो base है, एसिड में होते हैं हाइड्रोजन आयन, ये है हमारे पास एसिड. और अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस में होते हैं OH नेगेटिव. तो ये सेकंड जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि NaOH में क्या होंगे, OH नेगेटिव होंगे. लेकिन आपकी स्टेटमेंट में बताया गया कि हाइड्रोजन आयन होंगे, लेकिन ये तो आपका बिल्कुल गलत है. अब पहली वाली पे आते हैं, H2SO4 क्या है, वो आपके वो जो आपका H2SO4 है वो सल्फर या फिर अदर कंपाउंड, जो भी अनदर कंपाउंड है, पेट्रोल रिफाइनिंग के लिए जो है वो यूज किए जाते हैं. यानी कि सल्फर को हटाता है, अनदर कंपाउंड जो है ये पेट्रोल की रिफाइनिंग के लिए यूज किए जाते हैं. तो बिल्कुल सही बात यहाँ पे बोली गई है, H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका यूज पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए किया जाता है. इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन बी आपका गलत है. तो देखिए अब यहाँ पे चेक कीजिए कौन सा राइट आंसर रहेगा. स्टेटमेंट आपको ए जो है वो सही है, सेकंड वाली गलत है. बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स. देखिए ये तो हो नहीं सकता, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. हाँ ये हो सकता है, आगे वाली भी आपने पढ़नी है, बी इज करेक्ट. नहीं, बी तो आप हमारी रॉन्ग है. बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. नहीं, दोनों सही नहीं है. तो ऑप्शन कौन सा बना हमारे पास, बी बना, जिसमें बोला है ए स्टेटमेंट करेक्ट है. इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, होगा बी इज द राइट ऑप्शन. ये आपको पता होना चाहिए. H2SO4 का यूज जो है वो हम कहां पे करते हैं, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, रिमूविंग सल्फर या फिर अदर कंपाउंड इन अदर कंपाउंड इन पेट्रोल रिफाइनिंग के लिए उसका यूज किया जाता है. उसके बाद इसका जो है वो बैटरीज में, कार बैटरीज जो होती हैं, व्हीकल बैटरीज में जो है वो इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. और नेक्स्ट चीज जो है NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि यहाँ पे आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है इसमें आपको डिफरेंट तरीके से जो है वो आपकी अटेंशन यहाँ पे ली जाएगी. यहाँ पे आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलें, क्योंकि छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है. आगे क्वेश्चन बनेंगे जहां से आपको जो है वो पहले से ही आइडिया होना चाहिए. सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है. क्यों बेस है, क्योंकि उसमें से कौन से आयन प्रोड्यूस होते हैं, OH नेगेटिव. बेस हमेशा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, और हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन जो है वो एसिड प्रोड्यूस करेगा. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, मुरिएटिक एसिड इज साइंटिफिकली नोन एज. तो यहां पर मुरिएटिक एसिड को जो है वो अनदर किस नाम से भी जाना जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है. तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, परक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और पिक्रिक एसिड है. तो ये जो है वो आपकी 8th क्लास में जो है वो ये दिया गया है क्वेश्चन. मर्क्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, या फिर म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी हम इसको जानते हैं. तो ये जो है वो एक कलरलेस होता है, ये हमारा इसमें से जो है वो एक डिफरेंट एक स्मेल जो है वो इससे बाहर निकलती है. और इसको जो है हम किस अनदर नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl का ही ये क्या है दूसरा नाम है. तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका CTAT 2016 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो देखिए डिफरेंट तरीके से आपकी तैयारी जो है यहाँ पे करवाई जा रही है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारे पेट में भी पाया जाता है. क्या काम करता है, ये हमारे खाने को क्या करता है, पचाता है. HCl जो है वो हमारे खाने को पचाता है. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, म्यूरिएटिक एसिड. ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है. अगला क्वेश्चन देखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्या करेगा. अगर हम कॉपर सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन अगर लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो वो क्या रिएक्ट करेगा, क्या वो लिटमस के ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा, पहली कंडीशन में तो ये बोला गया. दूसरी में बोला गया ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा. तीसरी में बोला गया रेड और ब्लू दोनों लिटमस को अफेक्ट करेगा. और लास्ट में बोला गया कि रेड से किसमें चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा. तो थोड़ा सा आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट जो है वो पाउडर फॉर्म में नहीं है, वो एक्वस है यानी कि लिक्विड फॉर्म में है. तो जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, जो कॉपर सल्फेट है उसकी एक्वस सॉल्यूशन जो है वो हमारा किस में काउंट किया जाता है, एसिड में काउंट किया जाता है. कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो हमारा एक एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए एसिडिक नेचर क्या करेगा, डीकम्पोज करेगा. वाटर के साथ जब इसको रिएक्ट करवाएंगे डीकम्पोज करेगा. और एसिडिक होने के कारण ये क्या चीज करता है, एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, एसिड क्या काम करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है. तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है. एसिड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट वन, Which of the following statement is incorrect regarding strong acid? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी incorrect है, लेकिन केस ध्यान से सुन लीजिएगा, regarding strong acid, weak acid की बात नहीं की गई है, strong acid की बात यहाँ पे बोली गई है. Incorrect बतानी है, क्या बताना है, incorrect आपको बताना है. देखिए पहले में क्या बोला गया, strong acid react very rapidly,
यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल सही, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर H2SO4 है सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है, अगर मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बताऊं तो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड तेजाब, जैसे कि फेविक्विक है। फेविक्विक भी क्या है, एक टाइप का स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल फास्ट रिएक्ट करेगी, एक बूंद गिरेगी और हमारी उंगलियों को क्या करेगी, चिपका देगी, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बिल्कुल फास्ट रिएक्शन जिसका होगा। तो पहली इक्वेशन तो हमारी बिल्कुल सही है। दूसरी में बोला गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी सही है। ये तीनों के तीनों जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट किए जाते हैं, क्योंकि जब ये डीकंपोज होते हैं तो हाइड्रोजन आयंस की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा निकलती है। स्ट्रॉन्ग और वीक का पता कैसे लगता है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, फिर से बता रहा हूं। 0 से 7 तक पीएच स्केल में जिसका मान आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एच पॉजिटिव आयन की वैल्यू निकलेगी, जिसमें से एच पॉजिटिव निकला वो एसिड, जिसमें से OH नेगेटिव निकला वो बेस। जिसमें एच पॉजिटिव आयन की वैल्यू सबसे ज्यादा वो बना हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें एच पॉजिटिव आयन की सबसे वैल्यू कम वो बना हमारे पास वीक एसिड। ठीक है जी, ये क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बोलता है इसमें, सी ऑप्शन, एसिड आर केमिकली सब्सटेंस हैज अ सॉल्टी टेस्ट। नहीं, पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था एसिड का टेस्ट कैसा होता है, अमल जो है एसिड जो है वो खट्टे होते हैं स्वाद में, सोर होते हैं, तो सॉल्टी तो नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो गलत है, बाकी ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट किए जाते हैं, हमें इनकोरेक्ट बताना था, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन सी को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, एसिड्स दैट कंटेन अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन एडिशन टू ऑक्सीजन अलोंग विद हाइड्रोजन आर कॉल्ड। क्या कहते हैं, एसिड दैट कंटेन नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ऐसे एसिड जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, जब उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलाई जाती है उस चीज को क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, वीक कहते हैं, हाइड्रा या ऑक्सी कहते हैं, या फिर डाइल्यूट एसिड कहते हैं। देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा यहां पे आपसे बोला गया कि जब हम एसिड को नॉन मेटेलिक एलिमेंट के साथ जो है वो कंसीडर करते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी मिलाई जा सकती है, हाइड्रोजन भी मिलाई जा सकती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं। तो देखिए ऑक्सी का मतलब हुआ, ऑक्सी का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सी का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन भी रहती है साथ में ऑक्सीजन भी रहती है, एक ऐसा रिएक्शन। ऑक्सी रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सी एसिड कौन से होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, H2SO4 है, ठीक है, H2SO4, देखिए हाइड्रोजन भी है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में, ऑक्सीजन भी है, तो ये जो एसिड है ये हमारा ऑक्सी एसिड होगा। कौन सा एसिड होगा, ऑक्सी एसिड होगा ये, ठीक है। एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सारी चीजें, क्योंकि पहले ही आपको बताया क्लास जो है वो थोड़ी सी अलग रहने वाली है, क्लास इजी नहीं है, HP TAT CTAT ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए जरूरी है आपकी ये क्लास। तो केमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल अप लेवल की आपकी रहने वाली है, बिल्कुल भी अप मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जितना पेपर का लेवल है उसी हिसाब से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डाले गए हैं। ऑक्सी का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो, और हाइड्रा का मतलब क्या है, हाइड्रा का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन जो है वो वहां पर नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट होगी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, उसको हम कहते हैं हाइड्रा। जैसे कि एग्जांपल के लिए HCl, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, इस एसिड में ऑक्सीजन नहीं है, इसको कहेंगे हाइड्रा एसिड। और ऐसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सी एसिड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन एडिशन टू ऑक्सीजन अलोंग विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सी एसिड कहेंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। लेकिन अगर हाइड्रा और ऑक्सी दोनों अलग दिए होते, यहाँ पे तो दोनों इकट्ठे थे, अगर अलग दिए होते तो हमारा राइट ऑप्शन ऑक्सी आना था, ना कि हाइड्रा आना था, यहाँ पे कंबाइन फॉर्म में दिए हैं, इसलिए ऑप्शन सी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बट विल बी सी इफ टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विफाइड सोडा एंड एड अबाउट 1 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट। क्या होगा जब हमारे पास एक सोडा है, बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में, बिल्कुल एक गिलास है हमारे पास, उसमें हमने क्या डाला है, सोडा डाला है, ये आपको बता दिया, ठीक है जी, सोडा डाला है, और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें हमने क्या चीज डाली, 1 ml जो है वो डाइल्यूट HCl इसमें ऐड कर दिया। अब देखिए डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट आपने पढ़ा, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो डाइल्यूट का, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड आते हैं, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जैसे तेजाब, जो सबसे जल्दी रिएक्ट करे, और डाइल्यूट का मतलब होता है जिसका रिएक्शन उतना फास्ट नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल स्लो प्रोसेस होता है उसका। अगर उसके साथ हाथ भी टच हो जाए तो हमें कोई ज्यादा हानि उससे नहीं होगी, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड HCl H2SO4 के साथ अगर हाथ टच हो जाए तो हमारी स्किन क्या हो सकती है, बर्न हो सकती है, ठीक है। देखिए हमने एक गिलास में सोडा डाला थोड़ा सा, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विफाइड सोडा डाला, और इसमें 1 ml हमने डाइल्यूट HCl डाल दिया, तो होगा क्या, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ओनली द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स, नो गैस इज रिलीज। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कब होता है, न्यूट्रलाइजेशन तब होगा जब हमारा एसिड और बेस जो है वो आपस में मिलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का मतलब है एसिड और बेस जब आपस में मिले तो सॉल्ट और वाटर हमारे पास बाहर निकला, ये होता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे HCl क्या है हमारे पास, HCl है हमारे पास एक एसिड, और सोडा क्या है, सोडा है हमारे पास एक
बेस है, ये तो हमें पता है, ठीक है। सोडा क्या है, हमारे पास बेस है, एसिड और बेस को हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, है तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। लेकिन ध्यान से आगे वाली लाइन आप देखिए, बोला है नो गैस इज रिलीज, क्या जब मैं दोनों को ऐड करूंगा क्या कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। हमें पहले ही पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, सोल्ट और वाटर निकलता है। इसमें बोला कि कोई गैस रिलीज ही नहीं होगी, नहीं रिलीज होगी जब हम इनो में, जब हम पानी के अंदर इनो को डालते हैं तो CO2 बाहर निकलती है, होता वो भी हमारे पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस जैसे हमने मिक्स किए। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है क्योंकि वाटर हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन में ही काउंट किया जाता है, लेकिन जब इनो में हम पानी डालते हैं तो उसमें से CO2 बाहर निकलती है, तो यानी कि गैस तो बाहर निकलेगी। सोडा जब हमने लिया, सोडा के अंदर कोई भी चीज़ अगर आप ऐड करें, नींबू ऐड करें, आप सोडा पानी पीते हैं, उसमें से CO2 बाहर निकलेगी ही, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बोला गया नो गैस इज रिलीज, नहीं पहला ऑप्शन तो इसमें नहीं आएगा। अगला क्या है, व्हाइट कलर सेडिमेंट इज फॉर्म्ड, नहीं व्हाइट कलर का कोई सेडिमेंट इसमें फॉर्म नहीं होगा। थर्ड है CO2 गैस एमिट विद स्ट्रॉन्ग बबलिंग, बिल्कुल सही ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, क्योंकि CO2 गैस बाहर निकलेगी, CO2 निकलेगी क्योंकि सोडे की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा यहां पर जो है कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है कि CO2 हमारे पास बाहर निकलेगी। अब इसका रिएक्शन जो है वो मैं आपको समझाता हूं होता कैसे है। देखिए बैलेंस मैं अभी नहीं कर रहा हूं इसको, मेरे पास था HCl के साथ क्या ऐड किया, लिक्विफाइड सोडा ऐड किया। अब सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, खाने वाले सोडे की ही बात की जा रही है, ठीक है। खाने वाले सोडे का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, Na2CO3, ये खाने वाले सोडे का फॉर्मूला होता है। इन दोनों को रिएक्ट करवाया, ये है हमारे पास एसिड और सोडा क्या है, ये है बेस। बनेगा क्या हमारे पास, बनेगा एसिड और बेस को जब आपस में मिलाते हैं तो सोल्ट और वाटर बनता है, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो एसिड और बेस को जब आपस में मिलाया तो क्या बना, सोल्ट बना, यानी कि NaCl बाहर निकलेगा, उसके साथ वाटर बाहर निकलेगा। लेकिन जब सोडे को मिक्स किया तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलेगी, हुआ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन पहले मैं बोला नो गैस इज रिलीज, इसलिए ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। अगर ओनली न्यूट्रलाइजेशन वाला अगर यहां पे इतना सा ही कॉन्सेप्ट दिया होता तो ये सही था, लेकिन CO2 बाहर निकली, इसलिए ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, टू डाइल्यूट अ कंसेंट्रेटेड एसिड व्हाट शुड बी डू। अगर हमारे पास कोई कंसेंट्रेटेड एसिड है, एक बोतल है हमारे पास, उसमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड डाला गया है, मान के चलते हैं H2SO4 है, बिल्कुल तेजाब है वो, इसके साथ हम टच भी नहीं कर सकते, तो अगर इस कंसेंट्रेटेड एसिड को अगर हमें डाइल्यूट में चेंज करना हो, डाइल्यूट, अब देखिए कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट को समझाने के लिए मैं बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आप सभी शरबत पीते हैं, ठीक है, शरबत आपने रेड वाला शरबत जो है वो पिया होगा, ठीक है। शरबत की जो बोतल है वो बिल्कुल कैसी होती है, थिक होती है, बिल्कुल गाढ़ी होती है, ठीक है। अब उसको वो जो गाढ़ापन है उसका, वो होता है कंसेंट्रेटेड, वो क्या होता है, कंसेंट्रेटेड होता है, आप उसको नहीं पी सकते, इतनी ज्यादा वो मीठी होगी, इतनी गाढ़ी होगी, वो होगी आपकी कंसेंट्रेटेड, ये सिर्फ समझाने के लिए। और डाइल्यूट कैसे करते हैं, हम उसमें पानी मिला देते हैं, ठीक है, यानी कि पीने के लिए हो जाए, ठीक है, हम उसको आसानी से पी सकते हैं। तो जब वो बिल्कुल पतली कर देंगे पानी के साथ मिक्स करके, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, डाइल्यूट में चेंज हो जाएगी। तो ये कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट है। अब हमारे पास एक बोतल में H2SO4 है, बिल्कुल गाढ़ा है, बिल्कुल कंसेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें क्या करना चाहिए उसको जब डाइल्यूट में चेंज करना है। पहला है वाटर इन डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड में वाटर डालें, नहीं अभी डाइल्यूट तो बना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर इन कंसेंट्रेटेड एसिड, इस बोतल में हम क्या डाल दें, पानी डाल दें, अच्छा ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बन सकता है कुछ। तीसरा बोला फर्स्ट वाटर इन एसिड देन एसिड इन वाटर, मतलब जैसे कि चाय को करते हैं ना, पहले जिस पे हमने वो गर्म करने के लिए रखी होती है उससे गिलास में डालेंगे, फिर गिलास से उसको पलट के दूसरे उसमें डालेंगे, नहीं ऐसे भी नहीं करेंगे। थर्ड क्या, लास्ट क्या है, कंसेंट्रेटेड एसिड इन वाटर, हाँ ये वाली चीज जो है वो आएगी यहाँ पर। कभी भी कंसेंट्रेटेड एसिड में वाटर को मिक्स नहीं किया जाता है, ध्यान में रखने वाली बात है, जब भी कंसेंट्रेटेड एसिड होगा उसमें वाटर को हम मिक्स नहीं करेंगे, वाटर में कंसेंट्रेटेड मिक्स जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है रहेगा, क्योंकि अगर हमने कंसेंट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड कर दिया तो रिएक्शन इतना फास्ट होगा कि वो हमारी जो टेस्ट ट्यूब है या जो भी हमारे पास बीकर है वो इतना हाई टेम्परेचर कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, देखिए नेक्स्ट क्या है, Which of these substance is not secreted in the stomach as an integrate ingredient of gastric acid? तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो हमारे पेट में नहीं पाया जाता है, सिंपल सी चीज में अगर बात करूं तो पेट में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं पाई जाती है, हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पेट में नहीं होता है, HCl हमारे पेट में होता है जो खाने को पचाता है, ठीक है। पोटाशियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट हमारे लिए हेल्प करता है, सोडियम क्लोराइड नमक हम खाते ही हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पेट में नहीं होता, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो हमारा पेट क्या होगा, जल जाएगा, जो भी आंते हैं नसें हैं वो सारी डैमेज हो जाएंगी। तो हमें जो क्वेश्चन में बोला था वो ये बोला था गैस्ट्रिक एसिड का इंग्रेडिएंट नहीं है, गैस्ट्रिक एसिड किसको बोलते हैं, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका कोई भी रिलेशन जो है वो हमारे पेट में नहीं बनता है। H2SO4 का यूज जो है वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए किया जाता है, पहले बता दिया, उसके बाद एक्सप्लोसिव में किया जाता है, कलर को बनाने के लिए किया जाता है, बैटरीज में इसका उपयोग किया जाता है, मेडिसिन को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। साथ में जो हमारे पास
सैनिटाइजर्स आते हैं, सैनिटाइजर इन द सेंस जो हमारे जैसे परमानेंट मार्कर की जो इंक होती है उसको मिटाने के लिए जो जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं वो भी हमारा एक टाइप का सैनिटाइजर है, जिससे हाथों को साफ नहीं किया जाता है, उससे ब्लैक बोर्ड हो गए या जैसे कहीं पे काफ़ी बड़े बड़े होल्डिंग लगाए हैं वहाँ इंक से अगर लिखा गया तो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन डिसॉल्व गोल्ड, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें गोल्ड जो है वो पिघलाया जाता है, गोल्ड को जो है वो मेल्ट किया जाता है। बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, एक्वारिजिया इसका जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। एक्वारिजिया होता क्या, एक्वारिजिया एक मिक्सचर है किसका, नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड के साथ साथ किसका होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ होता है ये HCl का, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। नाइट्रिक एसिड के साथ किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। अब इसकी रेशियो भी होती है तो नाइट्रिक एसिड का पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, HNO3 किसका फॉर्मूला, नाइट्रिक एसिड का HNO3, और HCl ये आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये HNO3 भी एसिड है, HCl भी एसिड है, इन दोनों के मिक्सचर को हमने बोला एक्वारिजिया, इसका मतलब एक्वारिजिया भी कैसा है, एसिड है, एकमात्र एसिड है जो गोल्ड को क्या कर सकता है, पिघला सकता है, गोल्ड को मेल्ट कर सकता है। ये जो भी हमारी नोबल मेटल्स हैं जैसे कि प्लेटिनम है, गोल्ड है, इनको क्या करता है, ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ये चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। अच्छा, इसकी रेशियो की बात करें तो रेशियो जो है वो कैसे आपको ध्यान में रखनी है, HNO3 के पास क्या है, ये 3 है, 3 यहाँ पे लिख लीजिए, रेशियो आ गई। HCl ये तो सिंगल है, यहाँ पे आ गई, इसकी रेशियो हमेशा अपोजिट में होती है। HNO3 जो है वो बिल्कुल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये 3 इस तरफ जाएगा, 1 इस तरफ जाएगा, यानी कि HNO3 की वैल्यू 1 होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वैल्यू 3 होगी। ये एक्वारिजिया मिक्सचर का क्या बनता है, अनुपात बनता है, रेशियो बनती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड गिव लेस एच पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ऐसा कौन सा एसिड है जो एच पॉजिटिव आयन जो है वो कम प्रोड्यूस करेगा जब उसको वाटर के अंदर हम डालेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड हम इसे कहते हैं सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, H2SO4 भी सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, तो बचा कौन, ऑप्शन बी CH3COOH। देखिए किसका फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का, किसका फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का, जिससे क्या बनाया जाता है, विनेगर बनाया जाता है, सिरका बनाया जाता है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें आपको करवा रहा हूं, जैसे अगर मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा तो 20 के साथ एक्स्ट्रा 20 चीजें भी आपको नहीं देखने को मिलेंगी जो आप अपनी नोटबुक में जो है वो लिख सकते हैं। सिरका यानी कि विनेगर जो है उसमें क्या डाला जाता है, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CH3COOH। ये चीज आपको अपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज करेक्ट ऑन एसिडिक बेसिक, एसिडिक और बेसिस दोनों के लिए जो है वो करेक्ट यहां पे बात रखी गई है। तो देखिए क्या बोला गया, पहले में बोला गया रेड लिटमस टर्न ब्लू। देखिए ये तो एसिड की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एसिड की, लेकिन मेरे को बोला है एसिड और बेस दोनों के केस में कौन सी चीज करेक्ट होगी। ठीक है, पहली तो सिर्फ किसको शो कर रही है, पहली शो कर रही है सिर्फ एसिड को ही। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इंट्रोड्यूस OH नेगेटिव इन एक्वस मीडियम इन अ मेल्टिंग कंडीशन। OH नेगेटिव जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो करता है सिर्फ और सिर्फ बेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड डिसॉल्व कंडीशन, ये ज्यादातर किसकी प्रॉपर्टी है, एसिड की प्रॉपर्टी है। इंडिकेट न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कब होगा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कब होगा, जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, तो इसका मतलब है न्यूट्रलाइजेशन को ये शो कर रहे हैं। राइट ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन रहेगा। जो भी न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू आती है उसमें 7 उसकी पीएच वैल्यू होती है, 7 क्या है उसकी पीएच वैल्यू है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो दो कंपाउंड हमारे पास, दो स्टेट जो है वो हमारे पास मैटर जो निकल के आते हैं वो है सोल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और फॉल्स। ध्यान से क्वेश्चन को देखना, आपने ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, पहले में क्या बोला गया स्टेटमेंट में, एन एसिड दैट इज कंप्लीटली आयनाइज्ड विद आयंस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन, मतलब कि ऐसे एसिड जो एच पॉजिटिव आयन जो है वो लार्ज प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल हाई वैल्यू में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, पहले अभी मैंने बताया। ये देखिए पिछला क्वेश्चन था एसिटिक एसिड वाला, HNO3 H2SO4 और HCl, ये तीनों के तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब HCl H2SO4 और HNO3 में H पॉजिटिव आयन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे पहले बोला लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, इसका मतलब स्टेटमेंट ए जो है वो हमारी करेक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला कि ए बीक एसिड दैट पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन। बीक एसिड कौन सा होता है जिसमें से एच पॉजिटिव आयन की वैल्यू क्या निकले, कम निकले, उसी को हम बोलते हैं बीक एसिड। अब इसमें एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि CH3COOH एसिडिक एसिड है, ये क्या करता है, ये एच पॉजिटिव आयन की वैल्यू को कम प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हम बीक एसिड बोलते हैं। पहले हमने पढ़ लिया H2CO3 और H2SO3, ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे पास ऐसे एसिड हैं जो क्या करते हैं,
जो कम वैल्यू में हमारे पास एच पॉजिटिव आयन जो है वो बाहर निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज में भी पता होना चाहिए क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर, ठीक है। आप मेरे से अभी लाइव तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते डायरेक्ट। तो H2CO3 जो है वो होता है हमारे पास, H2CO3 होता है फॉर्मिक एसिड और H2SO3 होता है हमारे पास सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। जल्दी ही हम नेक्स्ट क्लास के साथ में मिलूंगा, तब तक के लिए आप अपने नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद जय भारत।